हे गाइस, वेलकम टू डिवाइन फॉर्चून 709 टैरो। द डिवाइन फॉर्चून 709 टैरो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज की हमारी रीडिंग होने वाली है कि आपका लाइफ पर्पस क्या है। आप जानते हैं कि हम सबका जन्म किसी उद्देश्य से हुआ है, किसी पर्पस की वजह से हुआ है, एंड वो पर्पस क्या है हम आज की रीडिंग में जानेंगे। एंड जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमारे पास यहाँ दो पाइल्स हैं। पाइल नंबर 1 इज 1 to 15, तो जिनका भी बर्थडे आता है 1 से 15 के बीच में उनको पाइल 1 को चुनना है। एंड जिनका भी बर्थडे आता है 16 to 31, उनकी डेट ऑफ बर्थ है, तो उनको सेकंड पाइल चूज़ करना है। ओके, सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग। तो जिनका भी पाइल नंबर 1 है, ओके, मैं ये इधर रख देती हूँ, आई होप इट इज़ विजिबल। तो जिनका भी पाइल नंबर 1 है, जिनका बर्थडे आता है 1 से लेकर 15 में, पहले मैं देखूँगी कि आप हैं कैसे, आपका नेचर क्या है, फिर हम देखेंगे अगर कोई ब्लॉकेजेस हैं तो वो भी चेकआउट करेंगे। एंड गाइस, थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए, इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए, शेयर करने के लिए। एंड आपके कॉमेंट्स सबके मैं पढ़ती हूँ, एंड जितना हो टाइम मिलता है मैं ज़रूर सबका रिप्लाई भी करती हूँ। गाइज, इफ़ यू वॉन्ट अ पर्सनल रीडिंग, तो सारी डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मैंशनड हैं। ओके, चलिए देखते हैं कि क्या आया है। तीन, दो, एक, शून्य। चलिए, मदर यूनिवर्स, जिनका भी पाइल 1 है, प्लीज मेरे को बताएं उनका। ओके, ये कार्ड आना चाह रहा था, बट ओके, ये कार्ड था गाइज, लेकिन मैं अभी नहीं ले रही, मैं दोबारा से करूँगी, मैं रेडी नहीं थी। अगर इसको आना होगा तो ये आ जाएगा। मदर यूनिवर्स, जिनका भी पाइल 1 है, प्लीज बताइए उनका नेचर कैसा है एंड उनका लाइफ पर्पस क्या है। मदर यूनिवर्स, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग बहुत ज्यादा जेनरस हैं। मुझे बताना पाइल 1 अगर ऐसा है, किसी का दर्द नहीं देख पाते आप लोग। ओके, जस्ट अ सेकंड गाइस, वन मोर कार्ड मदर यूनिवर्स। ओके, कार्ड आ गए हैं हमारे पास, चलिए देखते हैं क्या आया है। गाइस, रीडिंग बहुत डिटेल्ड होने वाली है, तो मैं आपको बोलूँगी ग्रैब अ कप ऑफ कॉफ़ी और टी। ओके, आप लोगों को पता ही है मैं डिटेल रीडिंग ही करती हूँ। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला कार्ड मेरे पास आया है वो है स्ट्रेंथ, 9 of Wands, 9 of Pentacles, ओके, 10 of Pentacles, द सन, द मून, ओके, द लवर्स। मुझे लग ही रहा था क्योंकि कॉम्बिनेशन कुछ कार्ड्स का ऐसे ही बना है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 of Wands, 9 of Swords, Page of Wands एंड 6 of Swords। तो गाइज, मैं पहले आपको थोड़ा आपके पास्ट का बताऊंगी, अगर वो आपसे रेजोनेट कर रहा है तो समझ जाइएगा कि ये रीडिंग आपकी है। साथ ही गाइज, एक चीज़ और बोलूँगी, ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हो, अगर होती हैं देन यू गाइज आर लकी, बिकॉज सबकी एनर्जीज आती हैं गाइज, तो ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर की एनर्जी आई दूसरे की नहीं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, तो टेक द वंस जो चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं एंड बाकी को छोड़ दीजिए। ओके, सो पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि
आपका नेचर कैसा है। तो कुछ पास्ट के बारे में बताऊँ तो यहाँ पे मेरे को पहले तो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही हैं, आप में से कोई फायर साइन हो सकता है या अर्थ साइन या एयर साइन, वैसे तो सारे हैं बट प्रोमिनेंटली यहाँ पे जो डोमिनेंट है वो है एरीज लियो सैजिटेरियस जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। आप लोग किसी टाइप के ट्विन फ्लेम सोलमेट कार्मिक कनेक्शन में या तो हो या थे, क्योंकि यहाँ दो टाइप की एनर्जीज हैं। कैटेगरी वन ऐसी है जो अभी अभी उस ब्रेकअप से निकली है, ठीक है, उनको जो क्लैरिटी मिलनी थी अपनी लाइफ में उस रिलेशनशिप से रिलेटेड उनको मिल गई है एंड काफ़ी पेनफुल एंडिंग रही है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं अपने आप को पूरी हिम्मत जुटा के आपने ये सोचा था कि जो भी हो जाए मैं इसी से ही शादी करूँगा या करूँगी एंड विक्ट्री मेरे को ही मिलेगी। आप उनके साथ एक अबंडेंस एक हैप्पी फैमिली टाइप्स देख रहे थे एंड सोच भी रहे थे, फैंटेसाइज भी कर रहे थे, बट अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि यू नो इट्स लाइक अ टावर मोमेंट आप लोगों के पास आई है। यहाँ कार्ड नहीं है बट एनर्जीज मैं फील कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स भी है यहाँ पे। तो आपका ब्रेकअप हुआ एंड जिसकी वजह से आप रात रात भर तक सो नहीं पाए, आपने बहुत मेहनत करी है, मैनिफेस्टेशन सब कुछ करा है, लेकिन वो इंसान आपकी लाइफ में नहीं है, ओके, उन्होंने किसी और को चुन लिया या किसी और से शादी कर ली। जो एक बैलेंस आप देख पा रहे थे वो ख़त्म हो गया, लेकिन एक चीज़ बता दूँ, अगर आपको क्लैरिटी मिल गई है, वेल एंड गुड, नहीं मिली है तो आपकी लाइफ में वो क्लैरिटी मिलने वाली है सन कार्ड के साथ, साथ ही आपकी लाइफ में बैलेंस आने वाला है। डेफिनेटली ये जो इंसान था जिनको आप पसंद करते थे या जिनके साथ आपने जिन्होंने आपको घोस्ट करा है, मैं बता दूँ उन्होंने आपसे काफ़ी चीज़ें छुपाई हैं एंड यहाँ मदर इशू बहुत ज़्यादा उभर के आ रहा है। तो मैं बताऊँगी मदर या सिस्टर इशू है यहाँ पे जिनकी वजह से शादी नहीं हुई है, जो थर्ड पार्टी का रोल कर रही थी आप लोगों की लाइफ में। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज थे बट नाउ अब जब उन्होंने किसी को चुन लिया है ही और शी इज़ नॉट हैप्पी, बट आपको कहीं ना कहीं वो एक लाइट हार्टेड एनर्जी महसूस हो रही है, ओके, कहीं ना कहीं आप ये महसूस कर पा रहे हो कि जब तक वो आपके साथ थे आप दुखी थे, आप नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में थे, लेकिन जैसे ही वो आपकी लाइफ से निकले हैं कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा लाइट हार्टेड एनर्जी में आ गए हो, आप बहुत ज़्यादा खुश रहने लग गए हो पहले से। अगर ऐसा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर मैं बात करूँ कैटेगरी टू की, जिनको अभी क्लैरिटी नहीं मिली है, तो गाइस बहुत जल्दी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, बिकॉज ये जो आपकी लाइफ में साइकिल्स चली हैं, जो भी दुख दर्द आपने झेले हैं, इनका कोई पर्पस था। भगवान ने आपको डेफिनेटली कुछ बड़े उद्देश्य के साथ आपका जन्म हुआ है। क्यों बता रही हूँ मैं आपको, क्योंकि सन कार्ड भी हमारे पास आया है, द मून भी आया है। बहुत रेयर होता है किसी भी रीडिंग में सन और मून का साथ आना, तो बहुत बड़ा उद्देश्य है आप, दिस इज एन एडिशनल मैसेज, जबकि यहाँ कार्ड्स नहीं है, आप स्टार सीड हो सकते हैं। आपके आपके पर्सन, आप लोगों को लाइफ में आसानी से कुछ नहीं मिला, बहुत स्ट्रगल करी तब जाके आपने अचीव करा है एंड या बैलेंस अगर आपकी लाइफ में नहीं है, भले ही आप कोई भी कैटेगरी में हो, आपकी लाइफ में बैलेंस आने वाला है। एंड जो लोगों को क्लैरिटी नहीं मिली है, उनके पर्सन उनको बता नहीं रहे हैं कि वो कमिटमेंट देंगे या नहीं, तो उनको वो उस चीज़ से रिलेटेड क्लैरिटी मिल जाएगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ सन का कार्ड आया है, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक देखोगे आप क्या आया है हमारे पास, सिक्स ऑफ कप्स भी बैलेंस को ही दर्शाता है, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स भी हमें बैलेंस का ही बताता है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों का घर घर शिफ्ट कर रहे हो, आप लोग किसी टाइप का चेंज हो रहा है आपकी लाइफ में, जॉब चेंज हो सकता है, करियर चेंज हो सकता है, घर बदल सकता है आपका, प्लेस ऑफ रेजिडेंस बदल सकती है, ये भी मैं देख पा रही हूँ। नंबर 66 आपको काफ़ी दिखता होगा, 66 616 606 एंड 1010 नंबर अगर आपको दिख रहा है, 1010 या 999 या 99, तो आप समझ लीजिए कि आपकी लाइफ में जो एक साइकिल थी, एक कार्मिक साइकिल थी, कार्मिक क्लेंजिंग के लिए आई थी, तो वो अब एंड होने वाली है, ओके। चलिए मैं देखना चाहूँगी मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जीज हैं इस दौरान, जब इन्होंने इतना सब कुछ सहा, तो मैं ये ज़रूर देखना चाहूँगी क्या एनर्जीज हैं। मदर यूनिवर्स, ओके, कार्ड आ रहा है बट मैं लूँगी नहीं, मुझे बताना गाइज अगर ये आपसे रेजोनेट करता है तो।
मदर यूनिवर्स पाइल वन जिन्होंने भी चूज करा है उनकी प्रेजेंट एनर्जीज क्या है। वन मोर कार्ड मदर यूनिवर्स पाइल वन जिन्होंने भी चूज करा है उनकी प्रेजेंट एनर्जीज क्या है। कम्युनिटी, मैंने आपको क्या बोला कि आपके पर्सन ने यहाँ पे कुछ लोगों के लिए कम्युनिटी, सोसाइटी की कास्ट, रिलीजन या फाइनेंसेस या स्टेटस का डिफरेंस हो सकता है, तो सोसाइटी क्या कहेगी ये भी एक फैक्टर था। ओके, तो आपका ये भी मानना है कि यू नो ये एनर्जी में आप या आपके पर्सन हैं। ब्रोकन हार्ट, डेफिनेटली आप ब्रोकन हार्ट हैं, मैं समझ सकती हूँ। एंड अगेन देखो नंबर 9 का कार्ड, 999-919-909, 46 नंबर का कार्ड है, 4+6=10, साइकिल एंड हो गई है, अब बस खुशियां ही खुशियां और बैलेंस ही बैलेंस आने वाला है आपकी लाइफ में। थिंकिंग मैन, तो ज़्यादा अगर आप सोच रहे हैं पास्ट एनर्जी के बारे में, पास्ट पर्सन के बारे में जिन्होंने आपको घोस्ट करा है, तो गाइस स्टॉप थिंकिंग अबाउट दैट पर्सन, बिकॉज एक बहुत ही अच्छा ऑफर आपको मिलने वाला है एंड बहुत ही अबंडेंट लाइफ आपको मिलने वाली है। तो जो पास्ट में हुआ उसको पास्ट में ही रख दो, बरी कर दो। थर्ड चक्रा आर्क एंजल, तो गाइज आपको अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पे काम करना है। ओके, आपने ये ज़रूर नोटिस करा होगा जब आपका यू नो ओवर थिंकिंग एंड ब्रोकन हार्ट की वजह से आपका स्टमक ज़रूर अफेक्टेड होगा, आपको स्टमक रिलेटेड इश्यूज भी होंगे, पक्का होंगे। एंड अगेन 37 नंबर 10 का कार्ड, डेफिनेटली एक साइकिल एंड हो गई है या होने वाली है। मुझे यहाँ 40% लोगों के लिए तो यहाँ पे लग रहा है साइकिल एंड हो गई है, एंड जो रेस्ट 60 हैं वो भी चल रही है उनकी साइकिल, बट अबाउट टू एंड वाली बात है। बॉटम ऑफ द डेक देखोगे क्या आया है, एंजल ऑफ लव, तो डेफिनेटली एक बैलेंस, एक लव एंटर होने वाला है, एक स्टेबिलिटी आने वाली है आपकी लाइफ में। चलिए देखते हैं आप लोगों की लाइफ का पर्पस क्या है। वैसे मेरे को यहाँ पे पता लग गया है कहीं ना कहीं, जैसे कि मैंने आपको बोला आप लोग स्टार सीड हो सकते हैं, तो हीलर वगैरह, बट लेट्स सी कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, मदर यूनिवर्स जिन्होंने भी पाइल वन को चूज करा है उनकी लाइफ का पर्पस क्या है। एंड गाइस आप में से काफ़ी लोग क्रिएटिव बहुत हैं, बहुत सारे आइडियाज़, कुछ लोग यहाँ पे यूट्यूबर्स हो सकते हैं, अगर ऐसा है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मदर यूनिवर्स जिन्होंने भी पाइल वन को चूज करा है प्लीज बताइए उनका लाइफ का पर्पस क्या है। हीलर हैं आप लोग कहीं ना कहीं, एंड बातें करना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। आई डोंट नो वाई बट मेरे को एडिशनल मैसेज आ रहा है तो मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं आपका लाइफ का पर्पस क्या है। वन मोर कार्ड मदर यूनिवर्स, मुझे बताना कि आप लोगों को बातें करना पसंद है या नहीं। ओके, तो जो पहला सोशल वर्कर, सी मैंने क्या बोला था देख लो, अब सोशल वर्कर वो यही बता रहा है कि कहीं ना कहीं गाइज आप लोगों को हील करना, उनको न्याय देना, जस्टिस देना बहुत पसंद है। नो अगर यहाँ पे कोई लॉयर, एडवोकेट या फिर समथिंग रिलेटेड टू लॉ, पुलिस या लोगों की परेशानियों को दूर करने वाला कोई है तो मुझे ज़रूर बताना कॉमेंट सेक्शन में। ओके, नेक्स्ट कार्ड जो मेरे पास आया है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर, मैंने अगेन आपको क्या बोला था दैट यू हैव अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू हेल्प पीपल विद योर गिफ्ट, कम्युनिकेशन इज द की, आपको वो बातें करना ज़रूर पसंद होगा। विजुअल आर्टिस्ट, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ये बोला था कि आप लोग क्रिएटिव हैं, आपके मन में आइडियाज़ आते होंगे। डेफिनेटली यहाँ पे कोई यूट्यूबर,
पेंटर आर्टिस्ट है? अर्बन प्लानर, अगेन इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिविटी, प्लानिंग, आर्किटेक्ट हो सकते हैं आप में से कुछ लोग। आपकी गाइज लाइफ का पर्पस ये इसीलिए है क्योंकि अगर आप इस फील्ड में काम करेंगे कहीं ना कहीं तो यू विल बी सक्सेसफुल, यू विल बी अबंडेंट, क्योंकि यही आपका लाइफ का पर्पस है, इसी वजह से आपका जन्म हुआ है। एंड डेफिनेटली आप में से कुछ लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बोलोगे कि मैम हमने तो ये स्टडी नहीं करा। तो आजकल क्या होता है बच्चों, लोग क्या करते हैं, मतलब मेरे भी कुछ क्लाइंट्स हैं, दे यू नो व्हाट दे डू इज, वो अपना लाइफ पर्पस फाइंड आउट करने के बाद दे टेक दैट लाइफ पर्पस एज अ हॉबी। तो जब वो आप हॉबी भी ले लेते हो तभी भी आपका लाइफ पर्पस इक्वली फुलफिल हो रहा है। गार्डियन, तो आप किसी के केयर टेकर हो सकते हो किसी बच्चे के, या यू नो अगेन इट इज़ ऑल अबाउट हीलिंग। यहाँ पे आप इमोशनली हील कर रहे हो, किसी को प्रोटेक्ट कर रहे हो। ओके, सो ये सब है। बॉटम ऑफ द डेक देखोगे क्या है। अब मुझे ये मत बोलना कि मैम, कुछ होते हैं ना लोग होते हैं मैम आपने अपने कार्ड्स, क्योंकि आप ऑफ स्क्रीन जाके, बच्चों तो मैं ऑफ स्क्रीन कुछ नहीं जाती, मैं अपने कार्ड्स को असेंबल कर रही होती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कार्ड्स बदल रही हूँ। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, बिकॉज मेरे को किसी ने कमेंट सेक्शन में बोला था तो मैंने कहा ऐसे ही जवाब दे दूँ, हो सकता है आप में से किसी और के भी ऐसे डाउट्स हों, बट ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया है डॉक्टर या नर्स। ओके, सो ये थी पाइल वन, जिन्होंने भी पाइल वन को चूज़ करा है। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो गाइज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा ये चैनल बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली, द डिवाइन फॉर्चून फैमिली। एंड गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स लेनी है या आपने डोनेट करना चाहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को, तो सारी डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मैंशनड है। ओके गाइज, मैं आऊँगी और नई रीडिंग्स के साथ। चलते, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय गाइज। तो जिन्होंने भी पाइल टू को चूज़ करा है, जिनका बर्थडे आता है 16 to 31 के बीच में, चलिए देखते हैं आपके लाइफ का पर्पस क्या है। एंड गाइज, ये बहुत डिटेल्ड रीडिंग होने वाली है, मैं पहले से ही बता दूं, क्योंकि इसमें हम आपका देखेंगे थोड़ा पास्ट एनर्जी, आप प्रेजेंटली क्या कर रहे हैं, एंड एडिशनल मैसेजेस अगर मेरे को आएंगे तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। साथ ही आपकी एनर्जीज चेक होंगी एंड देन आपका लाइफ का पर्पस आपको बताया जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड टिल द वेरी एंड। ओके, सो ये पाइल मैं इधर रख देती हूँ एंड बाबा के आशीर्वाद से ओम साई राम। देखते हैं पाइल टू की क्या एनर्जीज आती है। मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी पाइल टू को चूज करा है, उनकी प्लीज थोड़ा सा नेचर का आइडिया दें। कार्ड्स आ गए हैं हमारे पास एंड चलिए देखते हैं कि क्या आया है कार्ड्स में। गाइस सॉरी, थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि मेरे को कुछ लोग बोलते हैं कि मैम आप कार्ड्स इधर शिफ्ट कर देते हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बट मैं फिर भी आपकी तसल्ली के लिए ये टाइम जरूर लूंगी। 10 of Cups इन रिवर्स, जस्टिस इन रिवर्स, ओके, 6 of Cups, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। किसी का इंतजार हो रहा है, मुझे बताना क्या ये बात सच है। क्वीन ऑफ वॉन्स, नाइट ऑफ वॉन्स, ओ माई गॉड, 4 of Swords, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बहुत इंतजार करा है किसी का एंड अभी भी कर रहे हो, ऐसी सी एनर्जी है आपकी। 2 of Pentacles, स्ट्रेंथ, 9 of Pentacles। ओके, कार्ड में तो रख देती हूँ। समवॉट सिमिलर सी एनर्जी है आप लोगों की पाइल वन की तरह, बट मैं ये नहीं बोलूँगी कंप्लीटली सेम हो, क्योंकि यहाँ पे कोई एज सच
यहाँ पे एज सच कोई कनेक्शन नहीं है, मैं बताऊँ कि ट्विन फ्लेम सोलमेट कार्मिक कनेक्शन है जो कि पाइल वन में था, बट पाइल टू में यहाँ पे डेफिनेटली किसी ने सपने सजाए थे शादी के, प्रॉपर फैमिली प्लानिंग की गई थी, लेकिन कुछ लाइफ के सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए कि शादी नहीं हो पाई एंड नाउ आप जस्टिस की उम्मीद करे बैठे हैं। कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि जो अन्याय आपके साथ जिसने भी करा है उसको भी आप भुगतते हुए देखें, ओके एंड बट ये आप शो नहीं कर रहे, आप क्या शो कर रहे हो? ये अगर आप ये वाला कार्ड देखो, जस्ट अ सेकेंड, तो ये लड़की क्या कर रही है? ये बाहर से बहुत खुश है, देख रहे हो, ये बाहर से बहुत खुश है बट अंदर ही अंदर बहुत दुखी है, वो लोगों को शो नहीं कर रही। तो गाइज आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना होगा, बहुत हैवी एनर्जी है, आपको बैलेंस लाना होगा क्योंकि किसी वक्त आपकी लाइफ में बहुत बैलेंस था, आप बहुत ही सॉर्टेड इंसान थे, सब कुछ आपकी लाइफ में, आपने हमेशा अपनी लाइफ में प्लानिंग से चले हो, लेकिन जब यहाँ पे बात आई आपकी लव लाइफ में या आपकी लाइफ इन जनरल में जब बात आई तो वहाँ पे चीज़ें कुछ यू नो डगमगा सी गई, या यूँ कहूँ पजल्ड हो गई। आपने बहुत इंतज़ार करा किसी चीज़ का लेकिन आज तक आप स्ट्रगल कर रहे हो विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। एक वक्त था जैसे मैंने बोला लाइट हार्टेड एनर्जी में एंजॉय करना, दोस्तों के साथ रहना, सब करना, बट अब आपकी एनर्जीज कैसी हैं, अपने आप को बंधा हुआ, यू नो इतना बंधा हुआ, घेरा हुआ एक दूसरे से महसूस कर रहे हो कि जैसे आपको किसी ने बांध दिया है कंपल्शंस में, मजबूरियों में, बट फिर भी कहीं ना कहीं इस जस्टिस का इंतज़ार कर रहे हो विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बट प्रॉब्लम अब क्या आ रही है कि आपने पहले तो देखा कि लाइफ में मैंने इतना स्ट्रगल करा फिर भी कुछ नहीं हुआ, भले मेरी लाइफ इन जनरल हो या फिर करियर हो, बिजनेस हो या लव लाइफ हो, यहाँ पे मेरे को बिजनेस और लव लाइफ बहुत ज़्यादा डोमिनेंट लग रही है करियर फॉर्म में, ओके करियर एंड लव लाइफ बहुत ज़्यादा डोमिनेंट लग रही है। आपने ये तो समझ लिया कि हाँ ठीक है भगवान की यही शायद रजामंदी होगी, बट कहीं ना कहीं आपको फिर भी लगता है कि मेरे को जस्टिस मिलना चाहिए एंड इस जस्टिस की इंतज़ार में कि अभी तक ये जस्टिस आपको नहीं मिला, आप कहीं ना कहीं आपने अपने लिए ब्लॉकेजेस क्रिएट कर दिए अपने फ्यूचर के लिए या अपने और लाइफ गोल्स के लिए। मैं हमेशा गाइस सबको कहती हूँ कि देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लोग मेरे को अक्सर बोलते हैं कि मैम हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, बट आप ये क्यों नहीं देखते कि जब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उस मैनिफेस्टेशन के साथ साथ आपको लेट गो भी करना सीखना चाहिए कि मैंने मैनिफेस्ट कर लिया, मैं मैनिफेस्ट रोज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बट भगवान साथ ही मैं आपके ऊपर सब कुछ छोड़ती हूँ कि जो भी मेरे लिए सही होगा आप कर दोगे, ये चीज़ में आप नहीं आते, ओके एंड इस वजह से आपने अपनी लाइफ में ये ब्लॉकेज क्रिएट कर दी जिसकी वजह से आज का आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या है, आप इतनी कंफ्यूजन में रहते हैं, आपको समझ नहीं आता, समझ क्या नहीं आता, आपके पास अगर चॉइस आ जाए देन यू आर लाइक अगर मैं ये चूज़ करूँगी तो क्या होगा, अगर मैं वो चूज़ करूँगी तो क्या होगा, अगर मैंने ये चूज़ कर लिया है तो कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी मेरे साथ, ओके ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस एंड इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आके चली गई हैं। हिम्मत जुटाए बैठे हो लेकिन हिम्मत क्या है, वही है कि दो फेस हैं इस लड़की के भी, जस्टिस वाली लड़की अगर आपको याद हो जस्टिस में वैसे ही स्ट्रेंथ है, सामने से दिखा रहे हो यू आर मच मोर स्ट्रॉन्गर देन योर सर्कमस्टांसेस बट अंदर ही अंदर कुछ अलग ही सीन चल रहा है आपका, अंदर ही अंदर आप घुट रहे हो, परेशान हो, आप अंदर से बहुत जेनरस सोल हो बट सामने से लोगों को इतना टफ दिखाते हो एंड कुछ लोग यहाँ पे थोड़ा तीखा भी बोलते हैं, ओके तो गाइस तीखा मत बोलो क्योंकि तीखा बोलने से आपने तो बोल दिया, जब सामने वाला हर्ट होता है तो उसके भी अंदर से कुछ यू नो आह निकलती है या जब दर्द होता है तो यू नो कुछ इंसान ऐसा बोलता है तो क्या होगा, आपके कर्म बढ़ेंगे, आगे कष्ट कम आप झेल रहे हो तो और कष्ट आप बढ़ा दिए आपने ऐसे बोल के, तो ये चीज़ मत करो। क्यों? क्योंकि नाइन ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपकी लाइफ में अबंडेंस है बट उस अबंडेंस को रोक कैसे लगी हुई है, आपकी एनर्जीज बैलेंस्ड नहीं है। यहाँ पाइल टू में गाइस जिनका भी पाइल टू है गाइस गो फॉर अ पर्सनल एनर्जी चेक इन एंड देन अगर उसमें रेमेडीज़ की ज़रूरत हो तो उसके लिए भी जाओ,
मुझसे रीडिंग नहीं करवानी मत करवाओ, किसी और अच्छे टैरो रीडर से करवा लेना, बट गो फॉर इट बिकॉज योर एनर्जीज आर नॉट बैलेंस्ड. सीरियसली टेलिंग यू, नॉट बैलेंस्ड. बॉटम ऑफ द डेक देखो क्या आया है, एम्प्रेस. आपका प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है कि आप इस एनर्जी में हो, जस्टिस वाली. आपको किस एनर्जी में आना है, एम्प्रेस की. एम्प्रेस क्या होती है, शी इज़ अबंडेंट, शी इज़ स्ट्रांग. वो स्ट्रांग है, इंडिपेंडेंट है, अबंडेंट है. उसको दुनिया की कोई परवाह नहीं है. सेल्फ लव है उसके पास, सेल्फ फोकस है, सेल्फ गोल है. उसको कोई लेना देना नहीं कि दुनिया उसके बारे में क्या बोल रही है, क्या सोच रही है. ऑल इट इज़ आई मी एंड माई सेल्फ वाली एनर्जी है. लेकिन ये सेल्फिश एनर्जी नहीं होती गाइस. अगर आप बोलो आई मी माई सेल्फ वाली सेल्फिश, लेकिन अगर आप अपनी ही खुशी किसी और के हाथों में डाल दोगे ना, तब ज़्यादा प्रॉब्लम आती है. एंड जो पाइल टू के लोगों ने डाली है, आपने अपनी खुशी किस में डाल दी, अपने जस्टिस वाली एनर्जी में. ओके, आपने अपनी जस्टिस वाली एनर्जी में डाल दी है. जस्टिस डेफिनेटली मिलेगा. आपने कभी देखा होगा कि इट इज़ एन एग्जाम्पल, मेरे कुछ क्लाइंट्स के साथ भी हुआ है, लोग अक्सर शेयर भी करते हैं ये चीज़. वो बोलते हैं कि हमने अपने पास्ट के लिए बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करा, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करा मैम, एंड वो नहीं आया. जैसे ही हम मूव ऑन कर गए, अब मूव ऑन को अब आप ये फॉर्म में लो कि जैसे ही हम लेट गो कर दिया उसको, ठीक है, वो इंसान वापस आ गया मेरी लाइफ में. तो ये कब होता है, यही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप लेट गो कर रहे हो. आप मैनिफेस्ट जस्टिस कर रहे हो, करो, लेकिन उसको लेट गो भी कर दो एंड खुद देखना चल के वापस आएगा आपके पास जस्टिस. एंड अगर आप लकी हुए तो आप देख भी पाओगे उस इंसान को भुगतते हुए. ओके, सो ये चीज़ करनी है. एंड डेफिनेटली एक एडिशनल मैसेज ये है, अगर कोई किसी के कम्युनिकेशन का वेट कर रहा है यहाँ पे, तो वो कम्युनिकेशन भी आपको मिलेगा. नंबर 66, 616 एंड 222 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और आपको दिखता भी होगा 222 इसीलिए क्योंकि वो आपको दर्शाता है कि आपको अपनी लाइफ में बैलेंस लाने की ज़रूरत है. चलिए देखते हैं एनर्जीज. वैसे मेरे को यहाँ एनर्जीज पता ही लग गई हैं, बट मैं फिर भी आपकी तसल्ली के लिए देखूँगी. ओके, मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी पाइल टू को चूज़ करा है, प्लीज़ बताइए उनकी एनर्जीज क्या हैं. मदर यूनिवर्स, ओके, वन मोर कार्ड मदर यूनिवर्स. मैन होल्डिंग अ हार्ट. तो अगर आप किसी का इंतज़ार भी कर रहे हो ना, तो गाइज इंतज़ार ऐसे मत करो कि आपने सब कुछ ही अपनी लाइफ में छोड़ दिया. अपनी लाइफ में, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी करते हो उसको अच्छे से करो. अगर ये इंसान आपकी लाइफ के लिए अच्छा होगा, सच्चा होगा एंड आपके लिए परफेक्ट होगा, तो यूनिवर्स खुद ब खुद आपको भेजेगी. लेकिन रूल क्या है, मैनिफेस्ट के साथ आपको लेट गो करना ज़रूरी है. नंबर 9 है, तो 9999919 आपको काफ़ी दिखता होगा क्योंकि अभी आप एक साइकिल चल रही है आप लोगों की. थर्ड चक्रा, तो ओवर थिंकिंग की वजह से हो सकता है आपको कोई स्टमक इश्यूज हो. आपका थर्ड चक्रा गाइस अफेक्टेड है. एंजाइटी इश्यूज, वो तो मैंने आपको बता ही दिया. परेशान रहना, जस्टिस कब मिलेगा एंड ऑल दैट, तो ये बिल्कुल सिमिलर एनर्जी है जस्टिस जैसी. ओके, इस एंजाइटी इशू से बाहर आओ गाइस. वॉकिंग अवे, तो कहीं ना कहीं आप लोग दो राह पे खड़े हुए हो कि वॉक अवे करूं या ना करूं. ये वाली एनर्जी से भी गाइस बाहर आओ क्योंकि इसने आपको कहीं का नहीं छोड़ा है. ओके, जिन्होंने भी पाइल टू को चूज़ करा, मैं बता दूं इस एनर्जी ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा. रीज़न बीइंग कि आपको समझ नहीं आ रहा, अगर आप मूव ऑन करते हो तो फिर आपको पास्ट याद आता है, फिर यू आर लाइक कि चलो वापस मुड़ जाते हो. लेकिन जब आप वापस मुड़ने का सोचते हो तो आपको लगता है कि उसने मेरे को इतना दर्द दिया, उसमें इतना पेन था, मैं क्यों वापस जाऊँ. तो ये बिल्कुल टू ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी है. अगेन नंबर 9, नंबर 10, नंबर 999999 आपको काफ़ी दिखता होगा गाइस. 6 चक्रा, कार्ड नंबर 40 मैंने बोला था, मेरे कहने का मतलब ये था. ओवर थिंकिंग, ओके, इंट्यूशन आपकी काम करना बंद कर गई है कहीं ना कहीं. एंड रीज़न भी कि आपका लिटरली मैं कहूँ बहुत हाईली अफेक्टेड हो एंड इस वजह से शायद बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ भी आपको सफ़र कर रहे होंगे आप हेल्थ इश्यूज़ से. फोर्थ चक्रा आर्क एंजल रफेल, हार्ट चक्रा अफेक्टेड है गाइस.
जितना हो सके पाइल टू, एक तो जितना हो सके ग्रीन कलर का आप इस्तेमाल करें, पेड़ पौधों के बीच में रहें, पार्क में वॉक करें, ओके। दीज आर द सर्टन रेमेडीज जो मैं आपको बता रही हूँ, एंड थोड़ा खुश रहने की कोशिश करो, एंड प्लीज एनर्जी चेक इन करवाओ, पर्सनल चेक इन, ओके। चलिए देखते हैं आपके लाइफ का पर्पस क्या है। मदर यूनिवर्स जिन्होंने भी पाइल टू को चूज करा है, प्लीज बताइए उनकी लाइफ का पर्पस क्या है। मदर यूनिवर्स जिन्होंने भी पाइल टू को चूज करा है, उनकी लाइफ का पर्पस क्या है, प्लीज बताइए। ये कार्ड आना चाह रहा था। ये बहुत सिमिलर नहीं कहूंगी, बट क्या 15-20% सिमिलर एनर्जी है पाइल वन की तरह। तो हो सकता है कि आप किसी से डील कर रहे हो जिनका डेट ऑफ बर्थ पाइल वन में आता हो। ओके, वन मोर कार्ड मदर यूनिवर्स। ओके, चलिए देखते हैं क्या कार्ड्स आए हैं हमारे पास। तो जो पहला कार्ड आया है वो है शेफ। तो हो सकता है आपको कुकिंग का बहुत शौक हो, क्रिएटिव एनर्जी तो है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे नाइन ऑफ वॉन्स है एंड क्वीन ऑफ वॉन्स है। तो वॉन्स की एनर्जी शोज क्रिएटिविटी, तो क्रिएटिव हो सकते हैं, शेफ हैं आप, आर्ट आर्टिस्ट, बैंकर, आप बैंकिंग के बिजनेस में जा सकते हैं, अकाउंटेंट, ओके। ये आपके लाइफ की पर्पस है गाइस, सोशल वर्कर। मैंने बोला है ना, कुछ एनर्जी पाइल वन की, एक कार्ड पाइल वन में भी आया था। तो आप सोशल वर्कर हो सकते हैं, लोगों का भला करना, लोगों के दुख ना देख पाना, लॉयर, अगेन जस्टिस। मुझे बताना गाइस अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है, क्योंकि मैं सबके कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ एंड सबके यू नो इश्यूज का। अगर आपको कोई रिक्वेस्ट करना है पर्टिकुलर टॉपिक, तो ये भी एक रिक्वेस्टेड, एक हाईली रिक्वेस्टेड टॉपिक था, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। एंड इफ़ यू वॉन्ट अ पर्सनल रीडिंग, तो सारी डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मैंशनड है। साइंटिस्ट, कौन है साइंटिस्ट यहाँ पे, या कोई स्टडी कर रहा है, मुझे ज़रूर बताना गाइज। यहाँ पे साइंटिस्ट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, साइंस समथिंग रिलेटेड टू यू नो एस्ट्रोनॉमी और डिटेक्टिव, ओके। सो इट इज़ ऑल अबाउट दैट, मुझे बताना कौन है, ओके गाइज। सो ये थी रीडिंग जिन्होंने भी पाइल टू को चूज़ करा है। आई होप आपसे रेजोनेट करी है। अगर आपसे रेजोनेट करी है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। मैं आऊँगी और नई रीडिंग्स के साथ। टिल देन लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।